आज कोटा में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय पार्क ऑक्सीजन का निरीक्षण कर समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने पार्क में विकसित की गई विश्व स्तरीय मॉन्यूमेंट्स गार्डन एवं पानी की उपलब्धता सहित अन्य कार्यों को बारीकी से देखा और मौके पर मौजूद अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। बता दें, कोटा में ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहलाने वाले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। पार्क में स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने एवं रिसर्च संबंधित कार्य के लिए प्राकृतिक माहौल का बीच विश्व स्तरीय सुविधाएं यहां पर विकसित की जाएगी। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि ये देश का अद्वितीय पार्क होगा, इसके बराबर की टक्कर का कोई दूसरा पार्क देश में होगा नहीं। आपका वृंदावन गार्डन वगैरह वगैरह वो सब पीछे रह जाएंगे इसके हिसाब से। ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीशन में टाइम लगेगा, शायद दिसंबर खींचेगा ये, पर दिसंबर तक जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर, पक्षियों की भी अलग अलग कह रहा है, पक्षियों का तो हमने फैसिलिटी का टेंडर किया है, तो जो फैसिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो पक्षी भी लाएगा और पक्षी ला करके पूरा इसका जो है रख रखाव भी वही करेगा, 10 साल तक का रख रखाव वही करेगा। फ्लावर्स भी अलग अलग कैटेगरी, सबका अलग अलग। सरकारी गति और काम की रफ्तार आपने बहुत डिटेल से आज देखी है सर, कितना सेटिस्फाइड है आप? भाई सेटिस्फाइड तो मैं नहीं हूँ, ईमानदारी की बात है कि जितना जल्दी काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काम हो रहा है तो वो हम जब वक्त वक्त में जो है देखते रहते हैं, इसीलिए कि भाई काम।